रोज़ेस तो बहुत देखे हैं, बट गोल्डन रोज़ ये तो पहली बार देख रही हूँ। दिस इज़ सो ब्यूटिफुल, मेरा तो सारे लेने का मन कर रहा है। सैम वो देखो, कुछ दिन पहले जो न्यूज़ में बारिश था ये वही है ना? कुछ दिन पहले तूफान में यहाँ पे फंस गया था, अब गवर्नमेंट कह रही है कि इसको पीस बाय पीस कट करके यहाँ से मूव करेंगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो टाइम हुआ है दोपहर के एक और हम फिर निकल के कहीं पे घूमने, अब कहाँ वो हमें भी नहीं पता, पर कहीं जाएंगे। हाँ, तो अभी हम बस का वेट कर रहे हैं, सिटी सेंटर तक जाएंगे, फिर तब तक रास्ते में हम डिसाइड करेंगे कि आगे हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि मेरी बीवी ने कहा है कि आज छुट्टी है तो मैं घर पे नहीं बैठूंगी। हाँ, मतलब ये नौबत आ गई थी, मैं तैयार होकर खड़ी थी, मैंने कहा बस मुझे घर के बाहर जाना है क्योंकि आज सनी डे है यार, सनी डे कौन मिस करता है। हाँ, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, डॉलर आमा ले चलता हूँ। हाँ, और आज आते हुए भी हमारी एक बस हमारी आंखों के सामने से निकली, बट आज हम भागे क्योंकि हम रिलैक्स मोड में आज। मतलब मैं तो हमेशा रिलैक्स में होता हूँ, आज पूजा भी रिलैक्स मोड में है। मैंने कहा भाई घूमने जा रही हूँ, एंजॉय करूँगी ना, भागती रहूँ क्या सारा दिन, तो इसलिए आज हम आराम से वेट कर रहे हैं, बस आएगी तो जाएंगे। वैसे तो एक ऑप्शन हमारे दिमाग में शॉपिंग का भी आया था, बट शॉपिंग हम करते रहते हैं तो आज शॉपिंग का आइडिया ड्रॉप कर रहे हैं, तो देखते हैं हम कहाँ जाते हैं, और चलिए आपको भी साथ लेके चलते हैं, लेट्स गो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, और सिटी सेंटर पहुँचते सारी हमें ये अमेजिंग वायलिनिस्ट मिली और जो हमारा एक फेवरेट सॉन्ग प्ले कर रही थी। बस फिर सिटी सेंटर से हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे ग्रैनविल आइलैंड, जो कि है यहाँ की एक पब्लिक मार्केट जहाँ पे फार्म फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और आपको खाने को भी बहुत कुछ मिलता है, और वहाँ तक पहुँचने की जो बस राइड है वो भी बहुत ब्यूटीफुल है, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं। एंड फाइनली हियर वी आर, वो देखो ग्रैनविल आइलैंड का बोर्ड। सैम इसके पास तो किट्सिलानो बीच है, यहाँ से घूमकर वहाँ भी चलेंगे, क्यों नहीं। तो फ्रेंड्स फाइनली हम आ गए हैं ग्रैनविल आइलैंड, बहुत टाइम से हमारा यहाँ पे आने का मन था, और बट हम ये सोच रहे थे यहाँ पे आके करेंगे क्या, तो आज हम फाइनली आ गए हैं और एक्सप्लोर करेंगे ग्रैनविल आइलैंड में क्या क्या है, और आपको ये दिखाते हैं। और ऐसा ही नहीं है कि जो हम कंफ्यूज हैं यहाँ पे आके करना क्या, ये इतने सारे और लोग भी हैं जो यहाँ पे आके कंफ्यूज हैं करना क्या, पर फिर भी आ गए हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे पीछे सारी यॉट्स पार्क्ड हैं, और यहाँ पर वाटर बाइक भी मिलती है आपको, अगर आप आए यहाँ पर तो वाटर बाइकिंग कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी कॉस्ट $35 है, हमें पता नहीं था कि ये भी होता है यहाँ पर, और हम आज उस मूड से नहीं आए, वरना हम वाटर बाइक ज़रूर करते। हमने वैंकूवर की काफ़ी सारी स्ट्रीट घूम ली है, बट ये स्ट्रीट मुझे बाकी स्ट्रीट से थोड़ी डिफरेंट लग रही है, थोड़ी पॉइंट सी लुक है, आपको भी दिखाती हूँ। मेरे को इसके ऊपर सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, एंड यहाँ से लुक देखो, तो ऐसा आर्किटेक्चर अभी तक मैंने किसी स्ट्रीट पर नहीं देखा वैंकूवर की, तो इट्स क्वाइट डिफरेंट फॉर मी। व्हाट इज दिस, ये बड़ा सा पंखा क्या है? रोटर होता है ना बेटा, जिससे बोट चलती है। ओ ओके ओके, पंखा क्या गर्मियों में चलाते हैं ना। हाँ, हीटे वाइस ना, पिछली बार तो लगाया था ये बड़े वाला। हाँ सही है। तो यहाँ पे आपको काफी सारे स्टोर्स मिल जाएंगे देखने को, यहाँ पे क्लोथिंग एंड फुटवेयर स्टोर्स भी है, ऑल्दो ये ज्यादा फेमस अपनी पब्लिक मार्केट के लिए है, जो एक ग्रैंड पब्लिक मार्केट है जहाँ पे आपको फ्रेश फ्रूट्स भी मिल जाएंगे और काफी सारी ईटरीज भी हैं उसके अंदर, जो मैंने यूट्यूब पे देखा था, बट अब आज आके लाइव देखते हैं कि वहाँ पे एक्चुअली है क्या क्या और हम उसमें से क्या खा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सी फूड ज्यादा होगा जो हम खाते नहीं है, तो लेट्स सी, कुछ बेकरी आइटम भी ट्राई करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। और हम यहाँ घूम रहे हैं और हमें क्यूट क्यूट डॉग्स ना दिखे, ऐसा हो नहीं सकता। वहाँ पे हस्की, ठीक है गाइस, सो क्यूट। You can be this relaxed too, Sam. वो शादीशुदा मर्दों के लिए लिखा हुआ। उन्हीं के लिए ज़्यादा है। You can be relaxed. You don't have any stress now. You are married. यही तो स्ट्रेस है। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। यहाँ पे भी लाइव म्यूजिक चल रहा है। Oh, let's go there. Let's check out the live music. वैंकूवर की खास बात, जब भी यहाँ पे सनी डे होता है यहाँ पे लाइव म्यूजिक बड़ा चलता है, मैं आपको अब दिखाती हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है।
आज का दिन अच्छा है, दोनों हमारे फेवरेट सॉन्ग्स. ज़्यादा रिकॉर्ड निकाल रहे हैं. हाँ तो यहाँ पर एक द ब्रिजेस है, और थोड़ा इस तरफ जाओगे तो फेरी मिलेगी, और आगे चल के जाके पब्लिक मार्केट. यहाँ पे तो रात को भी बड़ा सुंदर लगता होगा, क्योंकि देखो ऊपर जैसे लाइट्स लगी हुई हैं, और यहाँ पे वाटर साइड बैठो खाओ सब यही कर रहे हैं. A few moments later. ग्रैनविल पब्लिक मार्केट के अंदर यहाँ पे मास्क था मैंडेटरी, तो हमने मास्क पहन लिया है. थैंक यू. Look at this guys, यहाँ पे भीड़ तो बहुत है काफी, बट ऑप्शन भी खाने का काफी लग रहा है. मेरा टेस्ट बड एक्टिव हो चुका है. हम क्या खाओगे? गुड. ये तो मेक्सिकन. हाँ ये देखो यहाँ पे ब्रेड, ये सारी बेकरी के आइटम. सी फूड लवर्स के लिए तो ये जन्नत है. और यहाँ पे ये चीज की भी बहुत सारी वैरायटी है. फ्लावर्स. सैम लुक एट दिस, हाउ प्रीटी आर दे. इट्स सो प्रीटी. रोजेस तो बहुत देखे, बट गोल्डन रोज ये तो पहली बार देखा है. इट्स सो ब्यूटिफुल, मेरा तो सारा लेने का मन कर रहा है. गेस व्हाट, अभी मुझे यहाँ पर बहुत सारी चॉकलेट्स की वैरायटी दिखी, ये देखो. और यहाँ पर आकर आप चॉकलेट्स टेस्ट करके ले भी सकते हैं. A few moments later. तरह सब्जी मंडी आ गई. यहाँ की वेजिटेबल्स तो काफी फ्रेश लग रही हैं. देख के लग रहा है कि जैसे डायरेक्टली फार्म से ही आती होंगी यहाँ पे. फ्रूट्स के साइज तो देखो यार, इतने बड़े बड़े. यहाँ पे रॉ फूड आइटम्स ज्यादा है. और घर से निकलते हमें हमेशा की तरह फिर से भूख लग गई है, पर हम कंफ्यूज हैं कि चाइनीज ले या मैक्सिकन ले. क्या खाना है फिर, चाइनीज या मैक्सिकन? यार चाइनीज में कोई वेज ऑप्शन समझ नहीं आ रहा, मैक्सिकन ही ले लेते हैं सेफ. तो लगो फिर लाइन में. और यहाँ पे पूजा अपना ऑर्डर तैयार करवाती हुई. हमने सोचा तो था कि हम बाउल लेंगे मैक्सिकन, पर ये तो कुछ और ही बन रहा है. लेट्स सी टेस्ट में कैसा होएगा. अब इसको देख के भूख तो काफ़ी लग रही है, पर ये सीगल से डर लग रहा है कि ये हमारा खाना ना खा जाए. बट जो भी कहो, यहाँ का व्यू कितना सुंदर लग रहा है. अभी दोपहर के 2:30 बजे हैं, और वो देखो मून दिख रहा है. इतनी दोपहर को मून तो मैंने पहली बार देखा है. आई एम नॉट श्योर आप लोगों ने न्यूज़ देखी थी कि नहीं, पर यहाँ पे काफ़ी थोड़े दिन पहले काफ़ी तेज़ हवाएं और फ्लड आए थे, और उसके अंदर वो एक बार्ज कंटेनर अगर आपको दिख रहा हो तो वो यहाँ पे बीच के किनारे तक आ गया था, और अभी तक यहाँ पे गवर्नमेंट ने हटाया नहीं है. तो अब हम कॉफ़ी शॉप आ गए हैं, क्योंकि बरीतो बोल खा के ज़्यादा मज़ा नहीं आया. और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉफ़ी की भी इतनी सारी वैरायटीज़ हैं. आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तो नेस्कैफे और ब्रू के नाम से निकाल दी, अब जाके पता लगा कि 10 तरह की और भी हैं. तो आज हमने ऑर्डर करी है व्हाइट चॉकलेट मोका, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा होता है. लेट्स सी. हाँ जी कैसी है फिर? नॉट बैड. व्हाइट चॉकलेट का प्रॉपर फ्लेवर नहीं है, आप ट्राई करो बताओ.
और फिर गैम्बल आइलैंड से निकलते निकलते भी हमें एक और लाइव म्यूजिक देखने को मिल गया। तो फ्रेंड्स फाइनली हमने ग्रैनविल मार्केट घूम लिया है। तो यहाँ पर आकर मुझे ये पता चला, एक तो यहाँ पर फूड की बहुत वैरायटी मिल जाएगी। अगर आपको घर के लिए रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, और अगर कुछ खाना है तो यहाँ पर आपको चाइनीज मैक्सिकन काफ़ी कुछ वैरायटी मिल जाएगी, और कॉफ़ी तो है ही ऑफकोर्स। लेकिन अगर आप अपने किड्स के साथ आ रहे हैं तो यहाँ पर एक किड्स मार्केट भी है डेडिकेटेड फॉर देम, तो आप वहाँ ज़रूर जाइएगा। हम नहीं गए बट आप ज़रूर जा सकते हैं। चलिए बीच पहुंच गए हैं, देखो व्यू यहां से। हम डेली आपको इंग्लिश में बीच तो दिखाते ही हैं, आज हम आपको दिखा रहे हैं किथसिलानो बीच। यहां पे मल्टीपल बीचेस हैं वैंकूवर में। As usual, beach हो, sunny day हो, यहाँ पे dogs ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। Beautiful view guys, देखो वो आ गया। वहाँ पे लोग वो भी खेल रहे हैं, वॉली शॉली ना। फ्रेंड्स हम किसिलाना बीच घूम चुके हैं और अब हम चल रहे हैं घर, और आपको मिलते हैं हम घर जाकर। Hours later. बन रहा है हमारा डिनर। हमारा डिनर तैयार है। तो अब हम खाएंगे हमारा पिज्जा और देखेंगे नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक हमारे चैनल को क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।